नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत खुर्सीपार वार्ड 49 सुभाष मार्केट में हाट बाजार का निर्माण किया गया है। मार्केट को सुव्यवस्थित करने हाट बाजार अब महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं यहां पर व्यापार करने वालों को अच्छी सुविधा मिल पाएगी। विधायक देवेंद्र यादव एवं महापौर नीरज पाल की पहल पर भिलाई शहर में यह पहला अच्छा सुसज्जित मार्केट होगा। लगभग 68 लाख की लागत से हाट बाजार का निर्माण किया गया है। इस बाजार की निर्माण एजेंसी बेसर्स आरआर साहू कंस्ट्रक्शन के द्वारा किया गया है। हाट बाजार में खास बात यह है कि यहाँ लाइट सोलर की है, जो विद्युत अवरुद्ध होने पर भी जलती रहेगी और अपने रोशनी से बाजार को प्रकाश में रखेगी। निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने इस बाजार का निरीक्षण कर जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आसपास के अतिक्रमण पर कार्रवाई करें तथा एक मुख्य द्वार भी बनाया जाए। हाट बाजार राज्य परिवर्तित योजना के तहत निर्माण किया गया है, जो कि लगभग पूर्ण हो चुका है। इस हाट बाजार में 60 चबूतरे का निर्माण किया गया है। श्री राम चौक के पास मछली मार्केट के पीछे इन चबूतरों का निर्माण किया गया है। धूप और बारिश से बचने के लिए शेड का निर्माण भी किया गया है। प्रसाधन की व्यवस्था भी साथ ही साथ की जा रही है। बाजार में पेवर ब्लॉक लगाए गए हैं, वहीं पेयजल की भी व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है। निगम आयुक्त ने इसके साथ बैकुंठ धाम क्षेत्र का भी निरीक्षण किया। उन्होंने नवरात्र पर्व को देखते हुए आवश्यक व्यवस्थाओं का शहर में जायजा लिया। बैकुंठ धाम तालाब परिसर में सफाई व्यवस्था देखी। उन्होंने कहा कि शहर में जितने भी वॉल चेंबर खुले हुए हैं, उनमें अनिवार्य रूप से ढक्कन लगावे एवं सफाई करवावे। देखिए, अभी जो है खुर्सीपार क्षेत्र में हाट बाजार का निर्माण हो रहा है, जिसका निरीक्षण आयुक्त महोदय ने किया है। वहाँ पे बहुत सारे जो जरूरी चीज़ों के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं और हाट बाजार एक भिलाई शहर का पहला ऐसा बाजार होगा जिसमें 60 चबूतरों का निर्माण किया जा रहा है। मार्केट को सुव्यवस्थित करने के तारतम्य में यह काम किया जा रहा है। इसके अलावा बैकुंठ धाम का कमिश्नर साहब ने विजिट किया है, वहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था देखी है और तालाबों के सफाई के साथ ही जो वॉल चेंबर रहते हैं उनके जो ढक्कन रहते हैं उनको ढकने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। निरीक्षण के दौरान जोन स्वास्थ्य अधिकारी सुदामा परगनिया, श्याम वीरेंद्र बंजारे एवं टिक्के साहू आदि मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।